नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए नजर डाल लेते हैं प्रदेश की सुबह सुबह की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में 11 दिसंबर को हुए 12 जिलों की 50 नगर निकायों में से अधिकतर के नतीजे जारी हो चुके हैं। अब तक घोषित नतीजों के मुताबिक प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस बीजेपी को मात देने में कामयाब रही है, जबकि निर्दलीय किंग मेकर की भूमिका में है। अब तक घोषित नतीजों में कांग्रेस को 613, भाजपा को 530, बसपा को 7, भाकपा को 2, माकपा को 2, निर्दलियों को 570 और रालोपा को यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को एक सीट पर जीत हासिल हुई है। आपको बता दें 5 दिन पहले 21 जिलों के लिए पंचायत समितियों और जिला परिषद के चुनाव परिणाम में एक नंबर पर रहने वाली भाजपा रविवार को आए निकाय चुनाव के परिणाम में तीसरे नंबर पर फिसल गई है। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर आपको दे दें। केंद्र सरकार और किसानों के बीच वार्ता विफल होने के बाद पिछले कई दिनों से राजस्थान के किसान हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर इकट्ठा है। आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल भी हरियाणा बॉर्डर पर आए थे। बेनीवाल ने किसानों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार को एक सप्ताह का समय दिया है। आपको बता दें रविवार को स्वराज इंडिया पार्टी के नेता जोगेंद्र यादव भी किसानों के समर्थन में शाहजहांपुर पहुँचे हैं। इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दें। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने बड़ा ऐलान किया है। कल पूरे देश के किसान एक दिन के लिए उपवास रखेंगे। किसान सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक उपवास रखने का फैसला किया है। इस दौरान धरने पर बैठे किसानों के साथ साथ पूरे देश के किसान एक दिन के लिए उपवास रखेंगे। एक और बड़ी खबर आपको दे दें। राजस्थान के अलग अलग जिलों में बीती रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें उदयपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और सिरोही जिले के भीड़वाड़ा क्षेत्र के आसपास भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस दौरान लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। एक और बड़ी खबर आपको दे दे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की गृह पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ में बहुमत के बावजूद प्रधान व उप प्रधान की कुर्सी से दूर रही भाजपा ने कांग्रेस सरकार व प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसद सुमेधानंद सरस्वती व भाजपा जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर निर्वाचन अधिकारियों पर दबाव डालकर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि लक्ष्मणगढ़ में भाजपा को 13 और कांग्रेस को 11 सीट मिलने पर भाजपा का प्रधान व उप प्रधान बनना तय था, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और पीसीसी चीफ डोटासरा ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। एक और बड़ी खबर आपको दे दे। आज से आपके जीवन में एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बैंकों का रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट सिस्टम अब 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध रहेगा। आज यानी कि 14 दिसंबर से इसकी शुरुआत होने जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। हालांकि आपको बता दें इस पर फैसला 4 दिसंबर को संपन्न मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में ही लिया गया था। आपको बता दें इस सिस्टम से अब ग्राहकों को पैसे भेजने में आसानी हो जाएगी। आसान भाषा में समझे तो वर्तमान में यह सिस्टम हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़ सप्ताह के सभी कार्य दिवसों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक काम करता था, जो अब 24 घंटे और सातों दिन उपलब्ध रहेगा। यानी कि अब ग्राहकों को पैसे भेजने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। एक और बड़ी खबर आपको दे दे। कोरोना काल में राशन कार्ड को लेकर केंद्र सरकार एक के बाद एक नए फैसले ले रही है। अब एक बार फिर से केंद्र के निर्देश पर राज्य सरकारें राशन कार्ड को लेकर एक नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके तहत अगर आप ने 3 महीने तक राशन नहीं लिया है तो आपका राशन कार्ड रद्द भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में इस पर अमल भी करना शुरू कर दिया है। तो यह थी प्रदेश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को कर दीजिए लाइक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।